أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين मैं मोहम्मद फरहान मलिक विद सेकंड वीलॉग ऑन वर्ल्ड कप 2023 फॉर पाकिस्तान मैचेस ओनली और थैंक्स मेजरली फॉर योर सपोर्ट जिसकी वजह से मैं ये वीलॉग सेकंड भी बना रहा हूँ और ख़ास तौर पे थैंक्स टू माय क्रिकेटिंग कम्युनिटी मेरे दोस्त मेरे अजीज़ जिन लोगों के साथ मैंने खेला हुआ है या जिन लोगों के साथ ख़ास तौर पे जो क्रिकेट को देख भी रहे हैं और उनके हवाले से ये है कि जो मुझे सपोर्ट करते रहे हैं क्रिकेट के अंदर और खिलाते रहे हैं और मैं उनके साथ वाबस्ता रहा हूँ क्रिकेट के अंदर। और सेकेंडली ये है कि जितने भी लोग जो कि क्रिकेट से हट के भी हैं जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि मेरे दोस्त हैं और जो भी अननोन्स भी हैं और लाइक यूट्यूब जो है वो हर जगह देखा जा रहा है, तो मेरा यही है कि अगर आपकी सपोर्ट इस तरह रहती है जो मुझे फ़र्स्ट वीलॉग में मिली है तो मे बी मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बातचीत कर सकूं और ख़ास तौर पे क्रिकेट के अंदर जो वर्ल्ड कप है इसके अंदर मैं कंटिन्यू करूं। अच्छा जी, अब ये सेकंड वीलॉग है, इट्स फॉर यस्टरडे मैच 20th अक्टूबर जिसमें कि पाकिस्तान वर्सेज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ है और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों ही अपने कमबैक मैच के ऊपर थे बट ऑस्ट्रेलिया हैव वन अस ऑन ऑल डिपार्टमेंट्स और उसमें यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो कमबैक कर लिया पर पाकिस्तान ने अभी तक कमबैक नहीं किया और पाकिस्तान जो है वो अभी तक जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस कर रहा है जो कि उसके सिस्टम की हैं और वो सिस्टम जो है जैसे मैंने लास्ट वीलॉग में अपना इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ और अपना जो है क्रिकेट का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे चुका हूँ, मैं किस तरह इसके ऊपर बोल सकता हूँ वो भी बता चुका हूँ और पाकिस्तान का जो सिस्टम है जो कि दुनिया में अब डाउनवर्ड्स है और जो दुनिया लाइक इम्प्रूव करती हुई नज़र आ रही है और इसी तरह देखें ऑस्ट्रेलिया की एग्ज़ाम्पल है कि लाइक दे हैव कम बैक टू देयर यू नो गेम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से ही ज़्यादातर टीमों को जो है वो मौका मिल रहा होता है, ख़ास तौर पे बैटर भी अगर हों तो वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही सेंचुरीज जो हैं वो कमबैक के अंदर बना लेते हैं और क्रिकेट की जो टीमें हैं जो हार रही होती हैं वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो तो ये चांस ले रही होती हैं कि अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो हमारी फेवर में जो है वो चली जाए और उनका जाहिर है फिर प्लान इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान की उसको यूटिलाइज़ करते हैं जो कि पैचेस में पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर लूज़ किया है और फिर अल्टीमेटली वो लूज़ जो है वो फिर पैचेस इतने वाइडेंट होते गए कि जो कि आप पाकिस्तान ने जो है वो मैच जो है वो बहुत जल्दी गिव अप कर दिया फिर से। इंडिया के अगेंस्ट भी ऐसे किया था नो डाउट, इसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का जो प्रेशर वाला मामला था वो थोड़ा कम था लेकिन ज़ाहिर है इंडिया से हारे भी हुए थे और वो कंटिन्यूटी जो है वो जारी रही है और वो ही वाली बात है कि जो सिस्टम है हमारा वो प्लान प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, प्लान एक ए होता है उसके बाद वो प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए एंड सो फोर और आपको ऑन ग्राउंड ऑन सिचुएशन आपको हर किस्म का प्लान हर किस्म की जो गेम की जो है वो सिचुएशन के मुताबिक आपने आपको मोल्ड करने के ऊपर होना चाहिए, वो पाकिस्तान की जो है असल वजह है हारने की आजकल। तो मैं अपने जो है वो वीलॉग में स्टार्ट करता हूँ ऑन मैच एनालिसिस और ये वीलॉग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम शॉर्ट रखूँ इंशाल्लाह और इसके अंदर जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के अंदर जो क्रिकेट का मैंने आपसे बात की है कि इसको डिफरेंट अंदाज में देखना है तो उस अंदाज़ में देखा जाए। सो गाइस रिलैक्स, ये क्रिकेट वैसे भी नो डाउट एक बहुत ज़्यादा यू नो कि उसको एक क्रिकेट जो है वो गेम है और इसको गेम के तौर पे देखना चाहिए, बाकी जो पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं उसको डेफिनेटली हमें जो है वो सीरियसली देखना है बहुत और उनकी अगर हम ऊपर इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान करता है हमारे जो थिंक टैंक्स हैं तो क्रिकेट जो जैसे मैंने बताया कि वो फ्लो के साथ ही बाकी चीज़ों के साथ वो ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, उसके अंदर ये है कि बॉलिंग से स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, शाहीन जो है वो बेसिकली अपना जो पीक अपना कैरियर है मुझे ये लग रहा है कि वो पीक से अब डाउनवर्ड स्टार्ट हो चुके हैं और वो वर्ल्ड कप के बाद मे बी कोई कुछ परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली देंगे एज़ पर देयर एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी बट दे ही हैज़ लॉस्ट हिज पेस, ही बेसिकली गेट वेरी अर्ली वरीड अबाउट हिज बॉलिंग, पहले 2-3 ओवर के अंदर अगर उनको विकेट नहीं मिल रही थी तो वो परेशान होने लग जाते थे अभी इन रिसेंट टर्म्स, अब तो वो एक ओवर में भी पहले ओवर में भी उनको विकेट नहीं मिल रही तो ही इज़ शोइंग हिज इम्पल्सिवनेस।
तो लाइक उन्होंने अर्ली जो पेस है खास तौर पे वो भी उनकी बहुत ज़्यादा लैक है। अर्ली विकेट जैसे उनको फर्स्ट उन्होंने इन स्विंगर जो किया है उसको मार्च को, और उन्होंने स्ट्रेट का उसको छक्का मारा है, तो उसके बाद वो वरीनेस उनकी जो है वो फेस पे नज़र आनी शुरू हो गई थी। और फिर वरीनेस जब हो, आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप बॉल कर रहे हों, तो आपके कैचेस भी डेफिनेटली छूट सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मींस कि आपका जब नेगेटिव माइंडसेट हो, और फिर पूरी टीम का ऑब्वियसली, और ये कि अब्दुल्ला शफीक ने ही मेरा हाल है वो कैच छोड़ा है वार्नर का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था और बड़े इंपॉर्टेंट स्टार्ट में था। पाकिस्तान इसी तरह के कैच 2015 में भी छोड़ा, वहाब रियाज जो वॉटसन के ऊपर और वो राहत ने छोड़ा था, उसके बाद 2019 में भी ऐसा कैच छूटा था सिंपल, और अभी भी ये जो है कैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। खैर कैच छूटते हैं, उसके बाद शाहीन के कमबैक करना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ सीनियर मोस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान साइड, बट ही इज़ नॉट डूइंग दिस। वो इनका जो कैच है वो मेरे लिए 2020 वर्ल्ड कप के जो था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही, तब भी वो हसन अली जो छोड़ा था उसके बाद भी इन्होंने वो जो लास्ट ओवर किया था उस पर भी बिल्कुल डिसहार्ट होके इन्होंने वो बॉल्स की थी, जिसकी वजह से वो मैच हम हारे थे। कमिंग टू द हसन अली, यू नो जो कमबैक है वर्ल्ड कप के लिए, इट्स वेरी मच यू नो के एक कह लें कि उसको कमबैक जो है उनका बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है जब भी आप वर्ल्ड कप के अंदर किसी प्लेयर को वापस लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि सारी टीम्स हैं अपने 4 साल क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए खेलती हैं और उसी के मुताबिक उनकी प्लानिंग होती है। तो हसन अली को आपने एक तो वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक करवा रहे हैं, और इतने बड़े इवेंट के अंदर जिसके अंदर आपके मेजर जो मैचेस हैं वो पहले मैचेस हैं, और ख़ास तौर पे इन पिचेस के ऊपर हसन अली जो है वो इस एज के अंदर कमबैक के अंदर परफॉर्म बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, और वही हुआ है क्योंकि इन मैचेस के इन पिचेस के ऊपर जो है वो हसन अली जो है वो सीमर है, वो यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का बॉलर इस टाइम पे इस एज के अंदर कमबैक के अंदर हो सकता था, नॉट इन इंडियन कंडीशंस, वही हुआ है। फिर जो वार्नर और मार्च ने बैटिंग की है वो भी बड़ी शानदार थी, उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान को हर लिहाज से जो है वो नॉकआउट किया है। फास्ट बॉलर को भी उन्होंने मारा है, फिर स्पिनर के ऊपर भी उन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ उन्होंने अटैक किया है। स्पिनर्स के अंदर खास तौर पे उन्होंने सिलेक्टेड भी अटैक किया है, मींस कि उन्होंने बड़ा रिलैक्स होकर कुछ बॉलें सिलेक्टेड रोकी भी हैं और फिर उन्होंने अटैक भी किया है। सो पिक एंड चूज जो है उनकी शॉट्स का आइडियल था फॉर द यू नो जो देखने वालों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने जो स्टार्ट किया है, अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑल राउंड करती रही उनके स्टार्ट के ऊपर, और फिर वो जाहिर है जब 200 का स्टार्ट मिल जाए तो आपका 400 तक आपको लग सकता था, वो फिर भी उन्होंने शाहीन ने जो है वो एंड पे आके कुछ बॉलिंग की, तो उस टाइम तक उसको परफॉर्म करने का कोई मकसद नहीं है उस बॉलिंग को जो कि एंड में आप विकेट ले रहे हो। जब आपने स्टार्ट में विकेट नहीं ली तो आपने मिडल ओवर जो है आप पाकिस्तान ने ओवरऑल वो परफॉर्म करना था, उसके बाद का कोई उसका फ़ायदा नहीं था। जब एनीवे वो 300 से 400 से स्कोर जो है वो सिर्फ उन्होंने रिड्यूस किया है 370 तक। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने एक नॉर्मल स्टार्ट लिया है, नॉट वेरी इंप्रेसिव, बहुत ज़्यादा इसको इस मैच के अकॉर्डिंगली इंप्रेसिव इसलिए नहीं मैं कह रहा कि स्टार्ट अच्छा लिया, कुछ अच्छी शॉटें मारी उन्होंने दोनों ने, अब्दुल्ला शफीक ने और इनाम ने, और इवन दो थोड़ा सा उन्होंने अग्रेशन जो है वो प्लान के मुताबिक स्पिनर के ऊपर भी ट्राई की, बट उनका जो प्लान था वो स्पिनर के ऊपर अटैक का वो बड़ा प्री जिसको कहते हैं कि प्री उन्होंने सोची हुई शॉट्स उनके ऊपर अप्लाई की हैं, ठीक है ना। तो वो जो शॉट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि जो आपने पहले से सोचा हो कि मैंने इसको इस बॉल पे मारना है हर, और फिर आप उसका सेकंड बी प्लान नहीं आपके पास होता। इसी तरह जो आउट, अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक ने भी जो है वो फिर वही बात देते हैं कि रैश शॉट के ऊपर आउट हुए, और उनको थोड़ा सा टेक्निक जो है उनकी अच्छी है उसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, कि मीन्स जब उनको स्टार्ट मिल रहा है तो तब उनको इस तरह की शॉट्स जो हैं अपनी सिलेक्शन और बी प्लान और ये यू नो कि उसका हमेशा होना चाहिए कि अगर बॉल गलत मिल गई है आपने सोचा भी वह मारने का तो फिर आपको उसको रोकना आना चाहिए। और मेनली इनाम की जो शॉट है वो उन्होंने लैक ऑफ यू नो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करते हुए उस बॉल को उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि मैंने अपनी जो फ्रंट लेग है उसको साइड पे करके और मैंने इस बॉल के ऊपर चाहे वो आगे भी होती तो उन्होंने कट के ऊपर या इस ऑफ साइड के ऊपर उन्होंने अपने आप को ओपन किया। जब ओपन कर लिया तो उनको मज़ीद उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपर कट, अगर थोड़ी सी अपनी लेफ्ट लेग को बेंड करते, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी फोकस के साथ इस बॉल को देखते हुए मारते, और वो फिर इस स्लाइसर को जो है वो ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर से गुजार सकते थे,
और बिकॉज ऑफ द बॉलर पेस जो वो चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको कह लें कि स्टिफनेस के साथ उसको मतलब मारा है, जिसको कि हम इसको कह लें कि कैजुअल अप्रोच के साथ, तो वो जो है वो लैग कर गया और बाउंड्री पे वो पकड़े गए। उसके बाद जो है मेजरली जैसे मैं बात करूँ बाबर आजम की, मैं आ जाता हूँ बाबर आजम, नो डाउट वो स्टार्ट लेना चाहिए था उनको और स्लो भी खेलना था उन्होंने और वो टाइम लेना था, लेकिन वो टाइम लेते लेते एकदम वो कॉट हुए हैं और अब फ्रंट जो उसका जो फ्लिपर था जिम्बा का वो विकेट के अंदर था और बड़ा शार्प उसको अंदर आया, लेकिन उनको चाहिए था इस बॉल को रोक लेना, अगर वो ऊपर चढ़ गया था उनके जिसको हम क्रिकेट की जुबान में कहते हैं बॉल, तो वो जो उसको हरीनेस आई है तो उसको उधर ही उनको जो है वो टैप इन टैप डाउन करके उनको जो है सिंगल ले लेनी चाहिए थी, ना कि वो मिड विकेट जब मारने गए हैं तो वो पूरी नहीं लगी, वो उन्होंने जाहिर है इसको ऊपर से उठाना था मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से, तो वो शॉर्ट मिड विकेट में ही कॉट हो गए। तो ये बड़ा एक ब्लंडर है उस शॉर्ट सिलेक्शन का उस टाइम के ऊपर, इनको बाबर आजम की क्लास के मुताबिक ये शॉर्ट सिलेक्शन बड़ी जो है वो हर्ट की पाकिस्तान को। अच्छा जी, उसके बाद जो है मेजरली फिर वही वाली बात है कि लूजेस देयर विकेट्स ऑन रॉन्ग टाइम, और इनाम और जो अब्दुल्ला शफीक है उन्होंने तो बहुत ही गलत अपनी जो है वो विकेट्स को लूज़ किया है, और उस टाइम के ऊपर जब उनको स्टार्ट मिल चुका था और वो स्टार्ट भी उन्होंने इनाम ने स्लो भी लिया है, और 70 बॉलों पे 70 करने का मकसद ये है कि ये शर्म वाली बात है, इसको कम अज़ कम भी उनको 70 बॉलों पे 90-95-100 तक अगर जाते तो वो तो आपकी इनिंग जो है वो डेफिनेटली बड़ी जो है वो मैच के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जानी थी। तो वो उन्होंने लैग किया दोनों ने, ओपनर्स ने, फिर वही वाली बात है कि इन्होंने चार्ज करने की कोशिश की स्पिनर्स में, लेकिन उन्होंने ओवर चार्ज करने की भी इसके ऊपर कॉट हुए हैं, ओवर चार्ज करते हुए बाबर आजम जो है वो आउट हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है अब आजू मैं बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, फिर वही वाली बात है कि जो इफ्तिखार है इन्होंने फिर वही वाली गलती की है जो इंडिया के मैच के अगेंस्ट की थी, कि इफ्तिखार को फिर ऊपर भेजा, मींस कि आपने फिर अपने 10 ओवर जो हैं वो आखिरी वो मैच वो आपने खेला ही नहीं, मींस कि आपने 10 तकरीबन अराउंड 10 ओवर पहले ही आप मैच फिर हार गए हैं। उसकी वजह ये है कि इफ्तिखार अगर 3 छक्कों की बजाय वो 5 या 6 छक्के भी लगा लेता तो तब भी मुझे वो बड़ा शॉकिंग था उसका आना उस टाइम पर, और मैंने ये है कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस इफ्तिखार का आना उस स्टेज के ऊपर बिल्कुल गैर मुनासिब था। 200 से ऊपर रन वैसे ही चले गए हुए थे साउथ और रिजवान के साउथ के आउट होने के ऊपर, और अगर उस टाइम लेफ्टी के साथ साउथ के साथ नवाज को फिर से इन्होंने रिप्लेस करते तो लेफ्टी इज़ अ बेसिक कॉमन सेंस ऑफ क्रिकेट कि लेफ्टी के साथ आप जब लेफ्टी रिप्लेस करते हैं और राइट और लेफ्ट का फिर वो कॉम्बिनेशन आपका चल रहा होता है तो उसमें आपको जिस मैच के अंदर आपको तब सिंगल डबल चाहिए थी और आपने उसको लॉन्ग लेके जाना था और 300 तक अगर आप पहुंच जाते बेशक आपके पास आखिरी 7 ओवर होते, बेशक आपके पास आखिरी 5 ओवर भी होते, 6 ओवर भी होते, तो तब भी इफ्तिखार जब आता उस टाइम पे यहां आपकी 5 विकेटें गिर जाती और आपके 300 के करीब करीब 290 स्कोर होता और आपके 7 ओवर होते हैं आपके पास, तो इफ्तिखार के साथ आप 70 से 80 स्कोर, इवन दो आपके पास फिर हसन अली और फिर शाहीन आपके पास पावर हिटिंग में मौजूद हैं, और हसन अली ने बॉलो पावर हिटिंग करके दिखाई हुई है, वो मार सकता है। उसके बाद आपका शाहीन ने भी जो है रीसेंट टर्म्स के अंदर अपनी पावर हिटिंग जो है वो अब दिखा चुका हुआ है, तो उनको दोनों को यूटिलाइज़ करते हुए इफ्तिखार जो है और एक एंड से रिजवान जो है वो तब वो खेलता भी रहता मे बी, क्योंकि उसको प्रेशर कम होता कि जब उसने सेट भी हो जाना था 290-300 तक उसने या 280 तक अगर ये पार्टनरशिप अपनी चलाने की पूरी प्लानिंग के साथ कोशिश कर रहे होते और ये बैटिंग ऑर्डर इस तरह चलता सो ये चांस आपका बनता था, ये चांस मींस कि उसके अंदर आप फिर भी गेम के अंदर आप रहते, जिसको कहते हैं ना कि गेम के अंदर रहना और आखिरी बॉल तक रहना जिसको फाइट हम कहते हैं, तो वो आखिरी ओवर्स में फिर इस मैच का डिसीजन हो रहा होता होना था उसका। मैं ये नहीं कहता कि जी पाकिस्तान ने जीतना था, फिर आइदर ऑफ यू नो कि मैच की सिचुएशन के हिसाब से कुछ आपकी लक्स होती हैं, अगर आप उस टाइम पे हिटिंग कर रहे होते हैं बॉलर प्रेशर में आ सकता है और वो आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज प्रोबेबिलिटी मींस के क्रिकेट में जैसे होती है कि वो आपकी फिर इंक्रीज होती है। आपने तो इफ्तिखार को भेज के वो तो शुक्र आप ये करें कि उसने 3 छक्के लगा दिए और 3 छक्के लगा दिए और अगर वो 5 भी लगा देता तब भी आउट हो जाता ना वो 5 मैक्सिमम एक प्लेयर एक इस तरह का जो इस उम्र में खेल रहा है जिसको हम चाचा इफ्तिखार कह रहे हैं तो वो 5 लगा लेता, मैं कहता हूँ 6 भी वो छक्के लगा लेता ना, 6 छक्के भी वो लगा लेता तो वो तब भी जो है आपका मैच की
सिचुएशन, और मोर और लेस यही होनी थी कि 30 स्कोर से पीछे आपने चले हार जाना था, आपने चलो अभी 45 ओवर तक पहुंच जाना था मैक्सिमम इस क्रिकेट इस मैच के अंदर, लेकिन आखिरी जो 5 ओवर हैं तब भी आपने ज़ाया करने थे, और 5 ओवर पहले आपने लाजमी इस मैच को हार जाना था। तो ये एक होती है कि ब्रेवनेस, वो ब्रेवनेस नहीं है कि इफ्तिखार को आपने भेज दिया, ये बॉलिंग के अंदर आप ये ब्रेवनेस चीज़ें होती हैं कि अगर आपका मेन बॉलर है और मैच आपका उधर के आउट हो रहे हैं वहाँ से, और आप ये फिर तब करते हैं कि आप मेन बॉलर ही लगाते हैं दोबारा जल्दी जब उनका आखिरी पार्टनरशिप चल रही हो, मींस कि आखिरी मेन पार्टनरशिप चल रही हो, तो तब आप अपना जो मेन बॉलर है वो दोबारा लगाते हैं ताकि आप उसको एग्जॉस्ट कर दें उसकी विकेट लेने के ऊपर, और जब वो विकेट मिल जाएगी तो फिर ज़ाहिर है उनका टेल एंडर स्टार्ट हो जाएगा, तो वो मैच आप उसी टाइम पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान तो उसमें भी गलती करता है हमेशा, 5 आउट भी अगर कर लेता है तो उनके आखिरी दो जो पार्टनर्स होते हैं उनको आउट नहीं करता। तो खैर ये पाकिस्तान की हमेशा जो है ना, जिसको कहते हैं कि शॉकिंग वाली प्लानिंग, वो कंटिन्यू रहती आई है काफ़ी अरसे से, और बल्कि मतलब इसको एक्सट्रीम जो है आप हिस्ट्री में देख लें तो तब भी ऐसे है, लेकिन फिर पाकिस्तान फिर भी अपने बहुत ज़्यादा मेजर जो तब टैलेंट था, और अगली टीम्स भी कुछ लैग करती थी अपनी फील्डिंग के अंदर, अपनी कहीं ना कहीं बॉलिंग के अंदर चांस दे देती थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने तो आपको कोई चांस नहीं कल दिया, और आप तो उसके विलिंग भी नहीं थे चांस लेने के ऊपर, उनसे कोई चीज़ ग्रैब करते आप। सो ये वीलॉग मेरा टेक्निकल कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो इस हवाले से था। सेकेंड वीलॉग मेरा जो है वो एंड ये है, और मैं इसको थैंक्स करता हूँ अगेन सबका जिन्होंने सपोर्ट किया है पहले वीलॉग के ऊपर, और कोशिश करें कि इसी तरह सपोर्ट आपकी जारी रहे, और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद जो है अपनी जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ उसको मैं मज़ीद थोड़ा सा मींस के उसको इनहांस करूँ, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लाइकिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।